हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, बल तथा गति के नियम। इसको हम दो भागों में मुख्यतः पढ़ेंगे। बल क्या होता है, बल कितने प्रकार का होता है, बल के क्या प्रभाव होते हैं, और दूसरे भाग में न्यूटन के गति के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तीन नियम दिए थे न्यूटन ने, जड़त्व का नियम या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दूसरा नियम, और तीसरे को क्रिया प्रतिक्रिया या संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बल होता क्या है। बल बच्चों एक भौतिक, जिसको आप फिजिकल भी कह सकते हैं, भौतिक कारण है जो किसी वस्तु को विराम की अवस्था की जो वस्तु है वो विराम अवस्था में है या सरल रेखा में गतिमान है। सरल रेखा में गतिमान है, उसकी अवस्था में परिवर्तन, उसकी अवस्था में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है। अवस्था में परिवर्तन या तो हो जाता है या परिवर्तन की चेष्टा करता है। ठीक है, तो अब अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या है बल की परिभाषा क्या होगी, कि कार्य को करने में मदद करता है। उस कार्य को करने के लिए या तो हमें वस्तु को खींचना पड़ता है, या तो हम वस्तु को खींचेंगे या उसको धकेलेंगे। ठीक है, तो खींचने और धकेलने की यह प्रक्रिया ही बल कहलाता है। तो क्योंकि ये एक भौतिक राशि है, तो बल का SI मात्रक न्यूटन है, इसे बड़े N से भी लिखा जाता है, और इसका CGS मात्रक डाइन है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन, याद रहेगा आपको। सदिश राशि है, और हमने पहले भी पढ़ा है सदिश राशि क्या होती है, वह राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। परिमाण भी है इसमें और दिशा भी है। मैं कहूं 10 न्यूटन, इसका मतलब ये परिमाण हो गया और ये इसकी दिशा हो गई। तो परिमाण और दिशा दोनों है, इसलिए ये सदिश राशि कहलाती है। अब बल के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं बच्चों। सबसे पहली, दो वस्तुओं का होना जरूरी है, एक जिस पर बल लगेगा, जैसा कि मैं यहां पे एक बॉक्स बना देता हूं, तो ये बॉक्स, इस पर बल लगेगा, ठीक है, पहली चीज होगी। और जो बल लगाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, तो बल लगाने वाला और जिस पर बल लगाएगा, दो चीजों का होना आवश्यक है। और दूसरी आवश्यकता क्या होगी, उन दोनों के बीच में अनोन्य क्रिया, इंटरेक्शन होना, बिना कॉन्टेक्ट के नहीं होगा, तो उनके बीच में संपर्क। अगर दोनों में से, या मैं कहूं तीनों में से एक भी चीज नहीं होगी, तो बल नहीं लगेगा। ठीक है, अब बल लगाने पर वस्तु में क्या प्रभाव आ सकते हैं। आप सबने क्रिकेट खेला होगा और ये हुआ होगा ना, आप बढ़िया सा शॉट लगाया तो बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। तो बल के क्या क्या प्रभाव होते हैं, अब एक बार उनको हम डिस्कस करते हैं। ये आपकी NCERT बुक में का ही डायग्राम है। तो ये बच्चा इस ट्रॉली को पुश कर रहा है, धकेल रहा है ना। ये ड्रॉअर है हमारे, हम जहां बैठकर पढ़ते हैं या हमारे घर में अलमारियां होती हैं उसमें ड्रॉअर होता है, उसको हम बाहर की तरफ निकालते हैं, खींचते हैं। ठीक है, और जिस तरह से लड़की हॉकी स्टिक से इस बॉल को मारती है, तो जो बॉल है, गेंद है, वो आगे की तरफ चली जाती है। तो क्या क्या प्रभाव हमें दिखाई दिया अभी तक। पहला प्रभाव कि बल से वस्तु की दिशा बदल जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। दूसरा, वस्तु की गति बदल जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है ना। ये आपने देखा, बॉल यहां पे थी, उस पे बल लगाया तो उसकी गति बदल गई। तीसरा, उसका आकार बदल जाता है, आकार बदल जाता है, शेप चेंज हो जाती है।
स्थिति बदलना, गति बदलना, आकार बदल जाना, ये सब किसकी वजह से हुआ? ये हुआ बल की वजह से, ये फोर्स की वजह से हुआ, है ना। तो ये इसके प्रभाव हो गए। अब क्या क्या चीजें प्रभावी बल के लिए जरूरी होती हैं? सबसे पहली बात, किस वस्तु पर बल लग रहा है। दूसरा, कौन लगा रहा है, लगने वाला बल और लगाने वाला। हमने अभी बात करी थी ना कि दो चीजों का होना जरूरी है, उसका लगाव बिंदु क्या है, कि किस दिशा में वो लग रहा है। उसके बाद दिशा और क्रिया रेखा, ये दोनों महत्वपूर्ण है कि ये वस्तु है इधर लगाने वाला है। अब ये जो हिस्सा है यहाँ पर जाकर जो ये बल लगेगा वो उसका लगाव बिंदु हो गया, उसकी वजह से उसमें क्या बदलाव आता है वो उसकी क्रिया रेखा हो जाएगी। तो परिमाण कि यहाँ पर था ये बक्सा, ये बल लगाने से यहाँ पर पहुंच गया, उसका परिमाण हो गया। और बल की प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण होती है, बल की प्रकृति किस प्रकार का बल उस पर लग रहा है, हम इसको कह सकते हैं बल का प्रकार। तो बहुत अलग अलग प्रकार के बल होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के बल होते हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट, संपर्क और असंपर्क बल। संपर्क बल में दो वस्तुएं सीधे सीधे एक दूसरे के संपर्क में आ जाती है, असंपर्क में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता। चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। तो सबसे पहले बात आती है घर्षण बल, वह बल जो वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, मतलब दो सरफेसेस, दो सतहों के बीच में कार्य करता है, और इसी घर्षण की वजह से ही हम चल पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम चलते हैं तो चप्पल जूता जो भी हमने पहना है उसकी तली और धरती के बीच में घर्षण होता है, और इसी तरह से बाकी वाहन भी चलते हैं कि सड़क और वाहनों के टायरों के बीच में घर्षण होता है। तो देखिए मैं इसको आराम से इस तरह से आपको समझाता हूं कि ये क्या है, तल है, ठीक है, ये एक वस्तु है जिस पर इस तरह से बल लगा, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है आपको पता है, एफ से लिखते हैं इसको, फोर्स को, ठीक है, और उसके विपरीत दिशा में दूसरा फोर्स या बल लग रहा है। अब जब तक ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे घर्षण नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वही हमारा सरफेस हो गया, इसके ऊपर ही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इधर से इधर भी बल लग सकता है, यहां पर विपरीत दिशा का बल होगा। तो ये बल क्या कहलाता है, घर्षण बल, जो अलग अलग दिशा में लगता है। वस्तु है, वस्तु पर हमने जो बल लगाया उसके विपरीत दिशा में जो बल लगेगा, ठीक है। तो यहां पर बल ए से बी दिशा में लग रहा है तो घर्षण बल उसके अपोजिट उल्टी दिशा में है एफ, और यहां पर उल्टे साइड में बल लग रहा है तो जो घर्षण बल है वो सीधी दिशा में है। तो ये चप्पल, हमारा चलना, वाहनों का चलना, ये सब घर्षण बल के ही उदाहरण होते हैं बच्चों। दूसरे प्रकार का बल है अभिकेंद्रीय बल। आपने अभी सुना होगा चंद्रयान 3 की बात हो रही थी, तो वो चंद्रयान की भाई पृथ्वी चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया है और वहां पर जाके अपना कार्य करेगा, ये सब आपने अभी सुना होगा। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो केंद्र से उस वस्तु पर बल लगता है जो हर बिंदु से केंद्र की ओर उसको खींचता है, और इसी बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। देखिए ये हमारा एक वृत्तीय पथ हो गया, और यहां पर मान लीजिए हमारी कोई वस्तु है, ये हमारी एक वस्तु है, ठीक है, आपको दिख रहा है, और ये वस्तु किसी वेग से गति कर रही है, इसका कोई निश्चित वेग। अब ये हमारे वृत्तीय पथ का केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या है, ठीक। तो ये जो गति का पथ है उसके केंद्र से इस वस्तु पर हर बिंदु से एक बल लगेगा, और उस बल को
अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, अंदर की तरफ लगेगा, सॉरी अंदर की तरफ लगेगा ये, इसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है और इसी वजह से ये वस्तु को अपनी तरफ खींचता है। तो सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी की गति है वो इसी अभिकेंद्रीय बल की वजह से होती है। दूसरा है चुंबकीय बल, मैग्नेटिव है कि चुंबक चुंबक द्वारा किसी धातु पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। अब देखिए, आपने मैग्नेट देखा है, चुंबक देखा है, उसके दो ध्रुव होते हैं। तो एक मान लीजिए ये हमारा चुंबक है, इसके दो ध्रुव है नॉर्थ और साउथ। अब आपको यह भी पता है कि समान ध्रुव अगर पास पास लाए जाए तो वो तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, लेकिन अलग अलग अपोजिट ध्रुव पास पास लाए तो वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। तो यहां पर साउथ और नॉर्थ पास पास आए तो एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए, लेकिन अगर पहले का नॉर्थ और दूसरे का साउथ और दूसरे का साउथ और नॉर्थ अगर ये पास पास आएंगे तो क्या होगा, इनमें प्रतिकर्षण होगा, ये एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। इसलिए अगर जो धातु है उसका कौन सा सिरा चुंबक के सिरे के पास आता है, अगर वो एक जैसे होंगे तो उनमें प्रतिकर्षण हो जाएगा और अगर एक अलग अलग होंगे तो उनमें आकर्षण होता है। अगला है गुरुत्वाकर्षण बल। दो पिंडों के बीच में, ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं हम, ब्रह्मांड में दो पिंडों के बीच में लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने ही बताया था अभिकेंद्रीय बल क्या है, ये अंदर की तरफ लगने वाला बल है जो केंद्र की तरफ उस वस्तु को खींचता है, ये बिल्कुल अलग है बेटा उससे, गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल अलग है उससे, है ना, याद रहेगा आपको। अब देखिए मैं इसको और आसानी से इसको समझाता हूं। मान लो ये हमारी पृथ्वी है जिसका भार है M1, और ये हमारा सूरज है M2। ठीक है, इधर से ये बल लगाएगी, इधर से ये बल लगाएगा, तो पहली से दूसरी पर लग रहा है, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो F1 2 इसको लिखेंगे, और जब ये लगाएगा तो F2 1 हो जाएगा, पहली से दूसरी पर, दूसरी से पहली पर, इसलिए इस तरह से इसको लिखा गया है। ठीक है, तो ये इनके बीच का नेट फोर्स हो गया। तो दोनों जो बल होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे लेकिन विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में, इसलिए ये माइनस का चिन्ह लगाया गया है। दोनों बल एक समान है लेकिन विपरीत दिशा में है, इसलिए वो चीजें बस एक ऑर्बिट में घूमती रहती हैं। तो ये सामान्यतः चार प्रकार के बल पाए जाते हैं। अब देखिए मैंने बता रहा था ना कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं, तो देखिए दोनों जो पिंड है एक दूसरे के संपर्क में नहीं है लेकिन फिर भी उनके बीच में बल लगा, तो कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब अगला आता है संतुलित और असंतुलित बल। संतुलित और असंतुलित बल ये किसके आधार पर है, प्रबलता के आधार पर बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित बल, ये भी आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक का डायग्राम है। तो बात करें संतुलित और असंतुलित बल की, तो संतुलित बल क्या होता है, जिसको हम बैलेंस फोर्स भी कह सकते हैं, अनेक बलों का परिमाण अगर शून्य हो, अगर एक वस्तु है मैं इस पर यहां से भी बल लगा रहा हूं, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, अनेक बल इस पर लग रहे हैं लेकिन अगर उनका परिमाण शून्य हो तो ऐसे बल को संतुलित कहते, कि इधर से मैंने 20 न्यूटन का बल लगा दिया, इधर से मैंने 30 न्यूटन का बल लगा दिया, इधर से मैंने 30 का लगा दिया, इधर से मैंने फिर से 20 न्यूटन का लगा दिया। तो देखो इन दोनों दिशाओं में कुल बल कितना हो गया, विपरीत होते हैं, बराबर होते हैं लेकिन अलग चिन्ह हो जाता है, 20 माइनस 20 हो गया, इधर भी 30 30, तो परिमाण परिणाम क्या हो गया, शून्य हो गया। तो ऐसे बल को, तो इस वस्तु पर कुल बल कितना हो गया, परिणामी बल कितना है यहाँ पर, 20 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन प्लस 30 न्यूटन माइनस 30 न्यूटन, परिणाम क्या हो गया, शून्य। तो ऐसे बल संतुलित बल कहलाते हैं। असंतुलित बल क्या होता है, कि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का
जो परिणामी बल है वो शून्य नहीं होगा। ऐसे बल को क्या कह देंगे? असंतुलित बल। तो उसी प्रकार का एक उदाहरण हम ले लेते हैं। ये एक वस्तु है, इधर 15 न्यूटन का बल लग रहा है, दूसरी तरफ 20 न्यूटन का बल लग रहा है, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, परिणामी बल क्या होगा? 20 न्यूटन माइनस 15 न्यूटन बराबर 5 न्यूटन। ठीक है, तो आपने देखा यहां पर जो परिणामी बल है वह शून्य नहीं होता। अब दोनों बलों को एक साथ हम देख सकते हैं। रस्साकस्सी का खेल आपने सबने खेला होगा, तो अगर दोनों टीम बराबर बल लगाएंगी, इधर से भी 300 न्यूटन का लगा, इधर से भी 300 न्यूटन का लगा, तो रस्सी बीच में रह जाएगी, जहां पे थे सब वहीं के वहीं रह जाएंगे। लेकिन अगर एक टीम में ताकत ज्यादा है, वो ज्यादा बल लगा देती है 400 न्यूटन का, और दूसरी तरफ वाले सिर्फ 300 न्यूटन का बल लगा पाते हैं, तो वो उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं, है ना? ऐसा होता है। तो ये तो संतुलित बल हो गया, और इस दशा में इसको असंतुलित या अनबैलेंस फोर्स कहेंगे, याद रहेगा आपको। तो असंतुलित बल के उदाहरण बहुत सारे हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। आप कोई वस्तु रुकी हुई है, एक वस्तु है जो रुक गई है, अब उसको हम धक्का देते हैं तो वो चलने लगती है, तो ये असंतुलित बल हो गया, है ना? हम कोई वाहन चला रहे हैं और उस पर एकदम से हम ब्रेक लगाते हैं, तो वो भी क्या है? असंतुलित बल का उदाहरण है। दरवाजे को खोलने या बंद करने के लिए खींचते हैं या धकेलते हैं। हमारा दरवाजा है घर का, उसको या तो हम खोलेंगे, खोलने के लिए खींचेंगे, या बंद करना है तो उसको धकेलेंगे। तो ये दरवाजे को खोलना या बंद करने की प्रक्रिया भी असंतुलित बल का उदाहरण है। तो हमने अभी तक एक भाग, बल क्या होता है, उसके क्या प्रभाव होते हैं, किस प्रकार का बल, कितने प्रकार के बल होते हैं, संतुलित बल क्या है, असंतुलित बल क्या है, अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों न्यूटन के गति के नियम।